नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल के ऊपर जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विस, और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियोस में। तो दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग करने जा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए मॉक टेस्ट सीरीज मॉडल प्रैक्टिस से। तो आज मैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नए तरीकों के साथ मैं आप लोग के सामने आया हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन होंगे मैथ के होंगे, करंट अफेयर्स को होगा, बीपी बिहार से संबंधित होगा, ठीक है। तो आप लोग को अब करना क्या है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मेरे जो है डिमांड बढ़ेगा, मैं तभी ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। नहीं तो मैं आप लोगों को सच कहता हूँ, मैं दूसरे जैसे नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि लेकर आऊंगा, मैं आपको गोली देते रहो, ठीक है। ये मैं आप लोग के लिए डेमो लेकर आया हूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर व्यूज ये सब बढ़ने चाहिए मुझे। मगर आपको कुछ फ्री में डिमांड दे, फ्री में देता हूँ। अगर आपके डिमांड को पूरा करता हूँ तो मेरे भी कुछ डिमांड पूरा होना चाहिए, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को करना क्या है, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे तो कमेंट भी कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए देखिए, पीडीएफ में बहुत सारे जो आप टेस्ट सीरीज में आपके लिए लेकर आऊंगा, मैं अवेलेबल नहीं करा सकता, मैं करा सकता हूँ लेकिन सीक्रेटली करा सकता हूँ। तो उसके लिए क्या है, ग्रुप से जुड़िएगा या कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मेरे फेसबुक पे होगा तो मैं अवेलेबल करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी आप लोग को ये ध्यान रखना है कि चल क्या रहा है, चल क्या मतलब कि मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोगों को फिर ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब करिए, अभी जो है लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न है, द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इनोवेटिव इन इंडिया I3 प्रोग्राम इज रिलेटेड टू डू, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो असिस्ट कर रहा है इंडिया में जो I3 प्रोग्राम है, इनोवेटिव इंडिया जो है वो प्रोग्राम, वो किससे संबंधित है। पहला नेशनल बायोफार्मा मिशन, दूसरा नेशनल सोलर मिशन, तीसरा नेशनल फूड मिशन, चौथा नेशनल टेक्निकल एजुकेशन इंप्रूवमेंट, या पांचवा नन ऑफ द अबव, मोर देन वन अबव। सो दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है नेशनल बायोफार्मा मिशन। आंसर क्या है, नेशनल बायोफार्मा मिशन इंपोर्टेंट है तो इसको याद रखना है। ये कौन सपोर्ट कर रहा है, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है। कितने पैसे उसने दिया वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट के लिए, एक लोन एग्रीमेंट में, तो आपका 125 बिलियन US डॉलर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा जरूर। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि अ ट्रेन मूव्स, देखिए यहाँ पे आंसर भी आ जा रहा, ट्रेन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स स्पीड इन अ मीटर सेकेंड इज ए 25 मीटर सेकेंड, देन बी 20 मीटर पर सेकेंड, सी 15 मीटर पर सेकेंड एंड डी 30 मीटर पर सेकेंड, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन अबव। आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आपका ए 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके 15/18 करके, तो अगर 15/18 करिएगा, 90 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 90 × 15 जो है 19 × 5/18 करिएगा तो वैसे ही आपका निकल जाएगा, है ना। तो आंसर क्या है, ए आपका 25 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल इज, यानी एक ट्रेन है 250 मीटर लंबा, ठीक है, और वो 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो उसको जो है इलेक्ट्रिक पोल जो है उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट आंसर है आपका C 10 सेकेंड। आंसर क्या है, C 10 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, पॉज कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप आराम से इसे देख सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर मैथ का ही है कि अ मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड मेंस रेट इन स्टील वाटर, यानी कि जो एक आदमी है आपका जो दिशा की गति में 8 किलोमीटर चल जो तैर सकता है 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो उसका क्या होगा, ठीक है, फाइंड मेंस रेट इन स्टील वाटर, यानी स्टील वाटर में उसका कितना होगा रेशियो, तो क्या होगा रेशियो या कितना होगा स्पीड, तो 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या होगा, बी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि हाउ मच प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी, A7, B8, C11, D5, या यहाँ पे आपका ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन अबव। आंसर क्या दोस्तों, इसका आंसर है आपका A7। आंसर क्या है, A7, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर एंड ए सन इज डी, ओके डी इज ब्रदर, सो हाउ इज बी रिलेटेड टू सी।
ए अंकल, बी ब्रदर, सी ग्रैंडफादर, डी फादर एंड ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन अबव। आंसर क्या है आपका यहाँ पर देख लीजिए, अंकल, ए अंकल, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ए इज अ सन, ओके, इज डी डॉट ब्रदर, सो ए इज सन एंड डी इज ब्रदर। सो यहाँ पे आप लोग ये सब देख सकते, उसमें एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं मैथ के क्वेश्चन जो है अपने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड भी नहीं करता था पहले भी, है ना, कि एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक। और मैं आप लोगों को सच बता दूं कि मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं, तो मैं आप लोगों से कुछ छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे जो है ठीक सुनने वाले या जो मेरे कोर्स या मेरे वीडियोस देखने वाले, तो उनसे कुछ छुपाने से फायदा नहीं है, ठीक। ये तो मैं क्वेश्चन डाल दिया हूँ टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे द एज ऑफ टू स्टूडेंट डिफर बाय 12 इयर्स, इफ अ 4 इयर्स एगो द एल्डर स्टूडेंट बी 2 टाइम्स एज द यंगर वन, फाइंड द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट। तो ये सब मैथ के प्रश्न को हम लोग को हटा देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों के सामने, हाँ, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ, उसका मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको अरेंज करना, पहला की, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये आराम से हो जाएगा, पहला की, दूसरा डोर, तीसरा डोर मतलब दरवाजे, तीसरा लॉक, चौथा रूम, पांचवा स्विच ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए 5 1 2 4 3, बी है 4 2 1 5 3, सी है 1 3 2 4 एंड 5, डी है 1 2 3 5 एंड 4, ई है नन ऑफ द अबव मोर देन वन अबव। आंसर क्या है दोस्तों इसका, 1 3 2 4 एंड 5, आंसर क्या है, सी, आंसर क्या है, सी। देख लीजिए करेक्ट ऑर्डर जो है, पहले की फिर लॉक, पहले की लॉक, उसके बाद दरवाजा, फिर रूम, फिर स्विच ऑन, ठीक है। आंसर क्या है आपका, सी। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कोड में जो है, इन द सर्टेन कोड इज लाउड इज रिटन एज GQSF, यानी लाउड को GQSF में लिखा गया है, तो उसी इंग्लिश के वर्ड में जो है कि क्या लिखा जाएगा, P K Q G का कौन सा वर्ड होगा इंग्लिश में, तो इस कोड में अगर हम करें तो सिंपल सा है आंसर, है राइज, आंसर है राइज, ठीक है, आंसर क्या है, राइज। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी कि ज्ञानपीठ भी कहते हैं, तो ज्ञानपीठ से संबंधित जो अवार्ड है उससे संबंधित यहाँ पे आपके चार स्टेटमेंट दिया है, पांच, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। फर्स्ट, गिवन टू द लिटरेचर हु राइट इन एनी वन ऑफ द 22 इंडियन लैंग्वेज लिस्टेड इन द शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो अवार्ड दिया जाता है, जो लिटरेचर लिखते हैं भारतीय संविधान में, जो 22 लैंग्वेज दिया हुआ है शेड्यूल 8 में, उन्हीं में दिया जाता है ये अवार्ड। दूसरा, द नॉमिनेशन एंड अवार्ड इज डिसाइडेड बाय भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन, यानी कि जो नॉमिनेशन है और जो अवार्ड है वो डिसाइड किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन के द्वारा। तीसरा, इट एम्ड, यहाँ पे इट एम टू कवर सब्जेक्ट लाइक रिलीजन, फिलोसफी, लॉजिक, एथिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी एंड पोएटिक्स, बिल्कुल ये भी सही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ऑप्शन डी नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन डी में अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होता, ई, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन अबव, लेकिन यहाँ पे डी है, डी में दिया हुआ है कि ऑल द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ज्ञानपीठ से संबंधित चारों को चारों स्टेटमेंट जो है सही है। जो 22 लैंग्वेज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में उसी में दिया जाता है, और ये जो अवार्ड और नॉमिनेशन है वो डिसाइड किया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ फाउंडेशन के द्वारा, और इसका जो एम होता है ऐसे सब्जेक्ट को कवर करना जो रिलीजन से संबंधित हो, फिलोसफी से संबंधित हो, लॉजिक से संबंधित हो, एथिक्स से संबंधित हो, ग्रामर से संबंधित हो, एस्ट्रोलॉजी और पोएटिक्स से संबंधित हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बिलो गिवन ऑप्शन, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है और उसको जो है आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहीं पे डायरेक्ट देख लेते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ, सूर्य किरण जो है आपका इंडिया नेपाल के बीच होता है, सूर्य किरण किसके बीच, इंडिया नेपाल के बीच। नोमाडिक एलिफेंट जो है आपका इंडिया मंगोलिया के बीच होता है, ठीक है। अलनगा इंडिया और ओमान के बीच होता है, ठीक है। और बोल्ड जो कुरुक्षेत्र जो होगा उसका इंडिया और सिंगापुर के बीच होगा, ठीक है, सिंपल से है, तो इस चीज को याद रखना है ना। उसके बाद अभी मिलेक्स एक्सरसाइज भी न्यूज में था, तो बिम्स्टेक का है मिलेक्स एक्सरसाइज, उसके बाद जो है इंडिया जापान का भी था, युद्ध अभ्यास भी न्यूज में था, इंडिया अमेरिका का, तो ये जितने भी न्यूज में है उसको आपको कवर करना है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पे मेरे हैं, तो आप लोग फेसबुक पे अप्रोच करिए, मैं वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हो। मुझे सिर्फ सीरियस स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, वहाँ पे आप देखिएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे डेली टारगेट कैसे देता हूँ, कैसे जो स्टूडेंट लोग पूरा करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, वेटलैंड इंटरनेशनल इज, यानी कि वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, ग्लोबल एनजीओ, एक आर्म है यूएनएफसीसी का या
एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन है WWF का, या इसमें से कोई नहीं है, इसमें से एक से अबव। आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है आपका एक ग्लोबल एनजीओ है। वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, एक ग्लोबल एनजीओ, आंसर है इसका ए। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड डी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन अबव। आंसर क्या है, जो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों किसके द्वारा होता है ये आपका रिलीज, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिलीज द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया and it released 2017 economic survey under the title of strong and boosting inclusive, जो है inclusive growth। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा दोस्तों, the organization of economic cooperation and development। सॉरी फ्रेंड, देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग को थोड़ा सा भी क्रॉस वेरीफाई कर दे तो मुझे तुरंत बता दे कि आप गलत बता दें। इकोनॉमिक और सर्वे जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करता है, बाय मिस्टेक ही मुझसे गलती हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी याद रखना है, गलत अब मैं नहीं बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक और सर्वे ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ये गलत थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तो ओईसीडी नहीं होगा, ये होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अफेयर। आंसर याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है। ठीक, तो कॉपी पेस्ट करने में या कॉपी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बाकी आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इकोनॉमिक सर्वे जो पब्लिश करता है, मैं कितने बार बता दिया। ठीक है, अगला है, बोन कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेलफेयर प्रोग्राम फॉर विजुअली डिसेबल, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स विद द मेडिसिनल वैल्यू, देन एफोरेस्टेशन प्रोग्राम एंड इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन अबव। आंसर क्या है, बोन कन्वेंशन किससे संबंधित है दोस्तों, जो बोन कन्वेंशन है वो आपका कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल से संबंधित है। आंसर क्या है दोस्तों, इसका बी, आंसर क्या है बी, है ना। द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मोर कॉमनली एब्रीविएटेड टू जस्ट द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज और द बोन कन्वेंशन एम्स टू कंजर्व टेरिस्टेरियल मेरिन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट द रेंज। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी कंक्लूडेड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। जो कन्वेंशन जो है साइन हुआ था आपका कहाँ पे, 1979 में। ठीक है, कहाँ पर, जो आपका गोटेसबर्ग है। ठीक है, गोटेसबर्ग जो है वहां पर हुआ था। ठीक, उसके बाद ये फोर्स में आया था 1983 में। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जो है आपका सर्वेक्षण इज रिलीज बाय, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है किसके द्वारा रिलीज हुआ है, तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं, तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज हुआ है। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट रिलीजेज द स्वच्छ सर्वेक्षण एंड इन 2017 स्वच्छ सर्वेक्षण इंदौर, इंदौर हैज बीन डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी 2017 में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर डक कर्व इज रिलेटेड टू, यानी जो डक का जो कर्व है वो किससे संबंधित है। डायरेक्ट आंसर, जो डक कर्व है वो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी कंजम्पशन से जो संबंधित है, डक कर्व। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज ट्रिगर बाय वाटर एंड स्टीम पावर टू मूव टू मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ह्यूमन लेबर। सेकेंड है, द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिल्ट ऑन इलेक्ट्रिक पावर फॉर मास प्रोडक्शन। मैं इतना हिंदी ट्रांसलेट करने लगूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिंपल सा हिंदी है, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। यानी फर्स्ट जो है आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज ट्रिगर बाय वाटर एंड स्टीम पावर टू मूव टू मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ह्यूमन लेबर। Then second, जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिल्ट ऑन इलेक्ट्रिक पावर फॉर मास प्रोडक्शन। Then third, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूज इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेट मैन्युफैक्चरिंग। Then fourth, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द करंट ट्रेंड टू ऑटोमेशन एंड डाटा एक्सचेंज इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। Which of the above statement is correct? So select the correct answer. Okay, answer from the below given option. So A13, B23, C123 and D1 and 2 and E none of the above more than one above. Answer is C123. यानी पहला, दूसरा, तीसरा तो जो है आपका सही है, लेकिन चौथा जो है वो आपका गलत है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है।
The fourth industrial revolution is the current trend of automation and data exchange in manufacturing technology. What? Manufacturing technology. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है दोस्तों. यहाँ पे आंसर होना चाहिए 1, 2, 3 and 4. आंसर क्या होना चाहिए? 1, 2, 3 and 4. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये रख दीजिए ना, इसका होगा E, none of the above या more than one above. आंसर क्या होगा इसका? E. ठीक है, इसका आंसर होगा E, क्योंकि 4 जो है वो भी सही है. 4 जो है आपका वो भी सही है. ठीक है, तो इसका आंसर रखेगा E. उसके बाद अगला प्रश्न है, अदिलाबाद डोकरा एंड एंशियंट बेल मेटल क्राफ्ट पॉपुलर इन द ट्राइबल रीजन ऑफ. सो अदिलाबाद कौन से ट्राइबल रीजन में है? तेलंगाना में, आप लोग को पता ही होगा, है ना. उसके बाद द बनाना रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड है, तो बनाना जो रिसर्च सेंटर है कहाँ पे लोकेटेड है? वैशाली में. कहाँ पे? वैशाली में. अगला प्रश्न है, द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजुलेशन 1540 इम्पोजेस बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन ऑल स्टेट्स टू अडॉप्ट लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ. यानी जो यूएन सिक्योरिटी का जो काउंसिल का रेजुलेशन है 1540, यानी कि 1540 एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन लगाता है स्टेट के ऊपर, तो किसको अडॉप्ट करने के लिए, या प्रिवेंट टू जो है आपका प्रोलिफरेशन ऑफ, किसको जो है प्रोलिफरेशन करने के लिए, कहते हैं ना प्रोलिफरेट करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, ऑल ऑफ द अबव. आंसर क्या है दोस्तों? आंसर है ई डी. आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, उसके बाद द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजुलेशन हमने ये कर लिया. उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, With reference to India's culture and tradition, what is Kalaripayattu? यानी Kalaripayattu क्या है दोस्तों? इसका direct answer देखते हैं, तो इसका direct answer है, it is an ancient martial art and living tradition in some parts of South India. जो Kalaripayattu है, वो आपका किससे संबंधित है? आपको पता है कौन से? तो ये है आपका, हम कहते हैं ना कि ये केरला से संबंधित है Kalaripayattu. ठीक है, सलीबम जो है आपका तमिलनाडु से संबंधित है, थांगटा कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से. तो ये चीजें जो है मार्शल आर्ट, इस चीज को ध्यान रखना है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जो Kalaripayattu जो है वो आपका क्या है, ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट है. ठीक है, एक मार्शल आर्ट है, नॉर्थ मलाबार में केरला में होता है. मैंने आपको इतना सारे डिटेल तो बता ही दिया. यमपुरी क्या है? यमपुरी एक पपेट्री फॉर्म है. क्या है? एक पपेट्री फॉर्म है. ठीक है, उसके बाद कहाँ पे होता है ये? रोड पपेट, जो बिहार का ये पूरक है, याद रखिएगा यमपुरी. उसके बाद Which of the below caves is also known as Jew Rock Shelter? इसमें से कौन से caves है जो Jew Rock Shelter के रूप में भी जाना जाता है? Direct answer है Bhimbetka caves. कौन सा है? Bhimbetka caves. Bhimbetka caves जो है मध्य प्रदेश में. ठीक है, जो किसने discover किया था? V.S. Wakankar ने. Yes, किसने किया था? V.S. Wakankar ने. तो याद रखिएगा. अगला है दोस्तों, यहाँ पर arrange the following Indus Valley civilization site in ascending order in the context of the area. पहला धोलावीरा दिया हुआ है, दूसरा हरप्पा, तीसरा हराकीगिरी, चौथा मोहनजोदड़ो. तो इसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है ascending order में साइज के हिसाब से. तो डायरेक्ट आंसर 1, 2, 3, 4. सबसे पहले आपका आएगा धोलावीरा, फिर हरप्पा, फिर हराकीगिरी, फिर मोहनजोदड़ो. आंसर क्या है? ए, 1, 2, 3, 4. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो धोलावीरा है 50 हेक्टेयर, हरप्पा जो है 150 हेक्टेयर, उसके बाद राखीगढ़ी जो है 250 हेक्टेयर, उसके बाद जो है आपका ठीक लार्जेस्ट साइट जो है मोहनजोदड़ो विच कवर्स 500 हेक्टेयर. ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस सिटी वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय मैसिव फ्लड्स. ठीक, उसके बाद यहाँ पर है आपका एक प्रश्न की सौंदरानंदा फाइन एग्जाम्पल ऑफ संस्कृत काव्य वाज कंपोज बाय. डायरेक्ट आंसर क्या है? बाणभट्ट. आंसर क्या है दोस्तों? बाणभट्ट. ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग के साथ बाणभट्ट ने कौन सी बुक भी लिखा था? बुद्धचरित. बुद्धचरित भी लिखा था, इस चीज को भी याद रखना है. उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि विच ऑफ द फ्लोइंग सन टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा ड्यू टू इट्स डार्क कलर. यानी कौन सा सन टेम्पल सूर्य मंदिर है जो ब्लैक पगोडा के रूप में भी जाना जाता है अपने डार्क कलर को लेकर के. डायरेक्ट आंसर क्या है? कोणार्क का जो टेम्पल है उड़ीसा का, इसी को हम ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, है ना. उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि इन द टेम्पल आर्किटेक्चर लैटिना देन देयर इज फाडनविस एंड बल्लवी रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ. ये कौन से टाइप को वो करता है? तो शिखर को, आमलक को, जो है गर्भगृह को, या उसके बाद जो है प्रदक्षिणा को. आंसर क्या है दोस्तों? शिखर को. आंसर है इसका शिखर को. ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने
कि म्यूजिकल पिलर्स आर फाउंड इन, यानी जो म्यूजिकल पिलर्स है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हम्पी के टेम्पल में। कहाँ पे, हम्पी के टेम्पल में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च रायतू बंधु स्कीम। तो तेलंगाना, जो रायतू बंधु स्कीम जो किसने लॉन्च किया, तेलंगाना ने, ठीक है। उसके बाद इन विच कंट्री इंडिया कंडक्टेड ऑपरेशन फ्लावर आर ब्लूमिंग, यानी कि कौन से कंट्री में इंडिया ने ऑपरेशन फ्लावर आर ब्लूमिंग लॉन्च किया था। तो आंसर क्या है, सेशल्स में। आंसर क्या है, सेशल्स में, ठीक है। उसके बाद जो है अगला प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग रूरल इंट्रोड्यूस अ क्रॉप रेट कॉल्ड रे, यानी इसमें से कौन से शासक है जिसने एक क्रॉप रेट जो है इंट्रोड्यूस किया था जिसे रे कहा जाता है। शेरशाह, हुमायूं, अकबर, बख्तियार खिलजी। आंसर क्या है दोस्तों, या ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन अबव। आंसर इसका शेरशाह। आंसर क्या है, ए, शेरशाह, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें से कौन से जो एक्ट है वो आपका अंतर करता है पॉलिटिकल फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी के और कमर्शियल फंक्शन को। आंसर क्या है दोस्तों इसका, इसका आंसर है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंक्ट एंड परमानेंट। अगला है इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग के सामने कि दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटीड बाय द आर्टिकल 20 एंड 21। बिल्कुल सही, द सिक्स राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिवेलियन। एंड उसके बाद राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज गारंटेड अंडर आर्टिकल 32। ये बिल्कुल सही है। तो ये जो है ना आपका ये ऑप्शन, सिक्स राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द आर्म जो है डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिवेलियन, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि द सिक्स राइट्स गारंटीड बाय द आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिवेलियन, ये गलत है। किसी भी इमरजेंसी में हम कह सकते हैं इसको जो है लगाया, इमरजेंसी मतलब अब ये मत कहिएगा कि स्टेट इमरजेंसी में भी लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। And further, the six rights by guaranteed Article 19 can be suspended only when emergency declared on the grounds of war or external aggression. यहाँ पे दिया हुआ है ना, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है आपका ग्राउंड ऑफ आर्म रिवेलियन, तो एक्सटर्नल जो भी होगा तो उसमें भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, और एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिवेलियन, ये चीज ध्यान रखना है, ऑन वॉर ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिवेलियन, इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसे चीजें ना पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा भी या बीपीएससी के द्वारा भी। आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन इसमें यूपीएससी लेवल्स के हैं, है ना, तो हो रहा होगा आप लोगों को। अब पहला क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी में, मेरा माइंड में आ जा रहा है हिंदी, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं एक ही बार में जल्दी जल्दी इसे कवर कर लूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द बिलो गिवन सेट ऑफ आर्टिकल डिनोट्स राइट टू फ्रीडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू फ्रीडम जो है आगे किस में है, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में है, तो आर्टिकल 19 टू 22। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, विच ऑफ द बिलो आर्टिकल्स डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। जो क्या है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 जो है इसी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, द इंडियन नेवीज फर्स्ट इंडिजियसली एफडीएन टू इज अ, एफडीएन टू एक क्या है, एफडीएन टू एक फ्लोटिंग डॉक है, क्या है, एक फ्लोटिंग डॉक, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, Which of the following agents are used for artificial cloud seeding? Artificial cloud seeding के लिए किस चीज का उपयोग होता है? Natural salt power का, all of the above, या dry ash, silver iodide, या E none of the above, या more than one above? आंसर क्या होगा? B all of the above. इस तीनों चीजों का उपयोग होता है, ठीक है? तो E यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे all of the above है, तो आंसर याद रखना है, ठीक है? या ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ और पार्टिकल्स होंगे या कुछ और नाम दिया होगा, तब जाके आप ई जो है ऑप्शन में यूज कर सकते हो। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नवल वेरिएंट ऑफ मिसाइल डेवलप्ड अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर इसका धनुष। आंसर क्या है, डायरेक्ट धनुष, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज डोमिनेट इज बायोगैस। इसमें से कौन सा जो है कि एक बायोगैस में होता है सबसे ज्यादा। आंसर क्या है, मिथेन। आंसर क्या है, मिथेन।
उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया, इसमें से कौन सा जो एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है, तो ये सारे के सारे आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द एबव, जो एजिप्टोबैक्टर भी जो है आपका, और जो मोनास भी, उसके बाद जो है आपका, और जो स्प्री लम भी, ठीक है, स्प्री जो लम भी। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोरल ग्रुप्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्मॉल स्टेम एंड सिंपल लीव्स बट ट्रू रूट्स आर अब्सेंट, सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ब्रायोफाइट्स, आंसर क्या है, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ लेक्स सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ओके सेलेक्ट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम गिवन बिलो, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आपका पहला यूट्रोफिक, फिर जो है आपका मेसोट्रॉफिक, फिर जो है ऑलिगोट्रॉफिक, ठीक है, तो इसका आंसर होगा इसका सी, इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एनोक्सिया ड्यूरिंग द यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स डिनोट, यानी जो एनोक्सिया जो है यूट्रोफिकेशन में जो होता है लेक्स में यूट्रोफिकेशन में किसको डिनोट करता है, तो डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन को, किसको, डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन को, आंसर है ए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉइंग मेटल इज नोन एज फूल्स गोल्ड, जो कहते हैं ना फूल्स गोल्ड किसे जाना जाता है, आंसर क्या है, पाइराइट को, आंसर क्या है, पाइराइट, ठीक। उसके बाद हिलुमी रिसेंटली इन अ न्यूज इज रिलेटेड टू, सो व्हाट इज हिलुमी, हिलुमी जो है आपका सन का लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, जो हिलुमी क्या है, जो सन है उसका लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन वाज एडेड बाय महावीरा, महावीर के द्वारा कौन सा डॉक्ट्रिन ऐड किया गया, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, क्या किया गया, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, आंसर है सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, और ये देख लीजिएगा, जो जैन है उसके 5 डॉक्ट्रिन है, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट स्टील, डू नॉट होर्ड, ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, दैट मींस की ब्रह्मचर्य, ठीक है, और ये जो आपका किसके द्वारा ऐड किया गया, महावीरा के द्वारा, और जो कॉन्टिनेंस है उसका मतलब ब्रह्मचर्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मिसाइल हैव बीन डेवलप्ड बाय इंडिया अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड जो आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू कौन कौन से मिसाइल डेवलप किया गया, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, आंसर क्या है दोस्तों इसका, 1 2 3 4, पटना याद रखिएगा, पटना, ठीक है, जो पृथ्वी हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा, नाग हो जाएगा, तो पटना याद रखिएगा, ये सब क्या है आपका, ये सब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, तो पटना याद रखना है, आंसर क्या है इसका, D 1 2 3 and 4। अगला प्रश्न है, और अग्नि 5 जो है एक इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस मिसाइल, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो की DRDO के द्वारा डेवलप किया गया, अग्नि जो है आपका 5, अग्नि 6 भी अभी डेवलप हो रहा है, न्यूज में ही था। अगला प्रश्न है, विच कंट्री इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल हेल्प टू द प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेवी, यानी इंडियन नेवी का जो प्रोजेक्ट 75 प्रोग्राम है, कौन से कंट्री जो है टेक्निकल हेल्प दे रहा है, आंसर क्या है, फ्रांस जो है टेक्निकल हेल्प दे रहा है, ठीक है। उसके बाद और प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत क्या होगा, जो जहाज है ना, जो स्कॉर्पियन जो है सबमरीन, वो बनाया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर इनकोसिस इज लोकेटेड एट, यानी जो इनकोसिस है आपका इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ लोकेट करता है, कहाँ पे है, तो हैदराबाद में, कहाँ पर, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया रैंक 177 आउट ऑफ 180 इन रिसेंटली रिलीज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड इट इज अ बाइनियल इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद, तो कौन से, यानी जो इंडिया का है आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 177 रैंक मिला 180 देशों के बीच, तो ये एक पाइडियल इंडेक्स है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कौन सी यूनिवर्सिटी के मदद से निकाला जाता है, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आंसर है सी, दोनों यूनिवर्सिटी को, दोनों यूनिवर्सिटी के मदद से, तो ये रिपोर्ट है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है मिल के निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद विच स्टेट इज सपोर्टिंग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है इसमें क्या होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश, और जीरो बजट नेचर जो आपका नेचुरल फार्मिंग वो हिमाचल प्रदेश में भी स्टार्ट हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों यहाँ पर, विच ऑफ द बिलो मेंशन स्टेट हैज मैक्सिमम टोटल फर्टिलिटी रेट, तो टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बिहार में, कहाँ पे है, बिहार में है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए बिहार का जो हाईएस्ट रेट कितना, 3.41, कितना, 3.41, ये क्या था, टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब कि एक व्यक्ति को जो एक माता पिता उसके कितने बच्चे हैं, तो याद रखिएगा बिहार में एवरेज है 3.41, मेघालय में है 3.04, उत्तर प्रदेश में और नागालैंड में जो है आपका 2.74, ठीक है। अगला है,
एम्पावर एक WHO का इनिशिएटिव है, द इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेड इन इंडिया एम्सैट। एम्पावर जो है WHO का इनिशिएटिव, उसका क्या एम्स है, उसका उद्देश्य क्या है? एम्पावर का उद्देश्य है रिड्यूस द डिमांड ऑफ टोबैको। क्या है? रिड्यूस द डिमांड ऑफ टोबैको, तो एम्पावर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑपरेशन कैक्टस इन मालदीव्स वाज एन, जो कैक्टस है मालदीव में ऑपरेशन हुआ था, किससे संबंधित था? मिलिट्री एड से संबंधित, मिलिट्री सहायता दिया गया था, है ना। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। दूसरा, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इज पब्लिश बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर है बी, केवल दो, इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, सॉरी इंटरनेशनल यहाँ नहीं है। वाज फाउंड, जो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है कब फाउंड हुआ था? 1974 में, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो रिपोर्ट आपका पब्लिश करता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। अगला है, विच ऑफ द बिलो कंट्री हैज मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कौन से कंट्री के पास सबसे ज्यादा जो है विंड पावर का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? आंसर है आपका बी, चाइना, ठीक है। उसके बाद स्टेट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स रिपोर्ट 2018 पब्लिश बाय, यानी जो स्टेट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स रिपोर्ट है 2018 का, किसके द्वारा पब्लिश हुआ? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सेंटर ऑफ पठालगढ़ी मूवमेंट, पठालगढ़ी मूवमेंट का सेंटर कौन सा था? झारखंड, कौन सा था दोस्तों? झारखंड, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज बीन डेजिग्नेटेड टू फंक्शन एज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट फॉर उन्नत भारत अभियान, तो उन्नत भारत अभियान में कौन सा जो है कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है? तो IIT दिल्ली, कौन सा है? IIT दिल्ली। ये किसका प्रोग्राम है? उन्नत भारत अभियान, इस बार भी पूछा गया था BPSC में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अगला है, द रिपोर्ट टाइटल वाटर स्केयर सिटीज थ्राइविंग इन अ, उसके बाद इनफिनाइट वर्ल्ड इज रिलीज बाय, यानी एक रिपोर्ट है वाटर स्केयर सिटीज थ्राइविंग इनफिनाइट वर्ल्ड, ये किसके द्वारा रिलीज हुआ है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, है ना। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर कि क्लाउड एक्ट द लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डाटा एक्ट इज रिलेटेड टू, ये क्लाउड एक्ट किससे संबंधित है? तो जो क्लाउड एक्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डीफॉरेस्टिंग और पोर्शन ऑफ द, यानी जो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उससे कौन से जो फॉरेस्ट है उसमें डीफॉरेस्टिंग होगा? आंसर क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व, आंसर क्या है? पन्ना टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, द बायलेटरल मैकेनिज्म 2+2 समटाइम इन द न्यूज इन्वॉल्व, तो बायलेटरल जो आपका मैकेनिज्म है 2+2 उसमें क्या इन्वॉल्व होता है आपको पता होना चाहिए? डायलॉग बिटवीन द डिफेंस एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, डायलॉग बिटवीन द डिफेंस एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर्स, अभी फिलहाल ही हुआ था इंडिया और अमेरिका का, ठीक है। उसके बाद इंडिया एंड द फिल इन द ब्लैंक्स अनाउंस अ जॉइंट ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड इन विच दे हैव कमिटेड टू एंकर इन्वेस्ट अप टू 120 million euro ईच, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर है यूके के साथ, इंडिया और यूके ने अनाउंस किया है जॉइंट ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड, तो याद रखना है इंडिया और यूके, इंडिया और यूके। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर आप लोग के सामने, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी, तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी से संबंधित, ये इक्वल टू द एक्साइज ड्यूटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल सही। इट इज लेवी इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सब्सिडीज, बिल्कुल सही। लेवी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल सही, आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द बिलो पब्लिक सेक्टर बैंक इज आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपोर्टेंट बैंक, मतलब कि DSIB, जो ICICI है और स्टेट बैंक है, तो दोनों है, आंसर क्या है आपका सी, अभी फिलहाल ही में जो है आपका एक और दो बैंक को दिया गया था, तो इस चीज को याद रखना है, ये क्या है? दे आर परसीव्ड एज टू बिग टू फेल, तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला है, द नेशनल वाटर वे बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया फॉर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन इज एडेड बाय, यानी जो नेशनल वाटर वे है आपका इलाहाबाद से हल्दिया में, वो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा मदद दिया जा रहा है उसके ऊपर? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आंसर क्या है? ए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। नेशनल वाटर वे वन है ये आपका इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक। उसके बाद दोस्तों, द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स डोनेटेड टू NGO इज, ये हमारा होम मिनिस्टर, जो होम मिनिस्ट्री होता है वो एक आप मॉनिटर करता है जो NGO को फंड दिया जाता है उसको, आंसर क्या है? ए, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री। अगला है, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित यहाँ पे चार तीन स्टेटमेंट दिया, कौन सा गलत है आपको बताना है?
इट कंसिस्ट ऑफ सिक्स मेंबर, ये बिल्कुल सही है, थ्री फ्रॉम आरबीआई एंड दे आर गवर्नर, उसके बाद डिप्टी गवर्नर एंड अनदर ऑफिस, बिल्कुल सही, द आरबीआई गवर्नर विल हैव अ वोट इन द केस ऑफ टाई, बिल्कुल सही, आंसर क्या है इसमें, नन ऑफ द अबव, आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, द पॉल्यूटेंट्स विच मूव डाउनवर्ड विद द प्रीकोलेटिंग, ठीक है, क्या है, सॉरी परकोलेटिंग ग्राउंड वाटर्स आर कॉल्ड, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, लीचेस, क्या है इसका आंसर, आपका ए, इसका आंसर है ए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज होता है, ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फेजेस ऑफ द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, तो इसका डायरेक्ट हम देख लेते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑर्डर, जो तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है, फिर आपका स्कोपिंग होता है, फिर बेसलाइन होता है, फिर डाटा जो है इंपैक्ट प्रेडिक्शन होता है, ठीक है, आंसर है इसका डी। अगला प्रश्न है, इंडियन गवर्नमेंट इज सिग्नेटरी ऑफ रैप्टर MOU एंड इट डील्स विद, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है एक सिग्नेटरी है रैप्टर MOU का, तो किससे संबंधित है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटर बर्ड से संबंधित है, किसका, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटर बर्ड से संबंधित है, तो रैप्टर MOU याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्रीकल्चर NPS एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इन अ जनरल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ड्यू फॉर 90 डेज कंसीडर्ड NPA बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्रीकल्चर, बिल्कुल ये सही है, गलत नहीं है, अ लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन विल बी ट्रीटेड एज NPA इफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देयर ऑन रिमेंस ओवरड्यू फॉर अ टू क्रॉप सीजन, बिल्कुल सही है, फॉर अ लॉन्गर और फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन क्रॉप इट इज वन क्रॉप सीजन, बिल्कुल सही है, आंसर क्या है इसमें डी, इसमें से कोई भी जो है गलत नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, द एक्टिविटीज ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF आर बीइंग ओवरसीन बाय, तो ये किसके द्वारा होता है, गवर्निंग काउंसिल हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, आंसर क्या होगा सी, NIIF जो है किसके द्वारा गवर्न होता है या कौन इसको देखता है, तो आंसर है आपका गवर्निंग काउंसिल जिसका हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, द एक्टिविटीज ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मैंने ये तो बता ही दिया, हाँ अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, फर्स्ट इट इज अ एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज बाय देयर कैपेसिटी फॉर एंड इन सक्सेस इनोवेशन, सेकंड इट इज पब्लिश बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन अ पार्टनरशिप विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज सी, बोथ द स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली करेक्ट, या ई रख सकते हो इसका, मोर देन वन अबव, ठीक है, लेकिन इसका अगर सी है तो इसका ई भी रख सकते हैं, ठीक है, तो मोर देन वन अबव, तो याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, विच ऑफ द बिलो गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, हमने पहले ही देख लिया था। उसके बाद WTO वाज सेट अप एज अ रिजल्ट ऑफ, तो WTO कौन से जो है राउंड के बाद आया था, तो उरुग्वे राउंड के बाद, ठीक है, आंसर क्या, उरुग्वे। इसके बाद है, व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ इक्विटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्पॉन्सर बैंक, आंसर डायरेक्ट है इसका 50, 15 और 35, याद रखिएगा, ठीक है, तो 50, 15, 35, 50 सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का 15 और स्पॉन्सर बैंक का 35, ठीक। उसके बाद विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई, हाईएस्ट क्लाउड कौन सा है, सीरस, आंसर क्या है, सीरस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इज मोर डोमिनेंट देन द मैकेनिकल प्रोसेस, आंसर क्या है, लाइमस्टोन रीजन, आंसर क्या है, लाइमस्टोन रीजन। अगला, विच ऑफ द बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, ओके, प्रोविंस फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आंसर है डायरेक्ट आपका डेक्कन ट्रैप। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जोबियन प्लैनेट, तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट है सही है, जोबियन प्लैनेट आर फॉर्म एट अ क्वाइट अ डिस्टेंस फ्रॉम देयर पैरेंट स्टार, बिल्कुल सही, सोलर विंड्स आर नॉट ऑल दैट इंटेंस टू कॉज सिमिलर रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द जोबियन प्लैनेट, बिल्कुल सही, थर्ड जोबियन प्लैनेट्स आर जनरली लार्जर एंड सराउंडेड बाय गैसेस मैटर, 100% ट्रू एंड डी ऑल ऑफ द अबव, आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इन विच पार्ट ऑफ हिमालय डू वी फाइंड द करेवा फॉर्मेशन, तो करेवा फॉर्मेशन जो है हमें कश्मीर हिमालय में मिल जाता है, ठीक है, और द्वार जो है आपका वेस्टर्न बंगाल का जो पार्ट है वहां मिलता है, तो करेवा जो है आपका कहाँ पे, कश्मीर हिमालय में, ठीक है, और जो करेवा है वो आपका किस लिए फेमस है, सैफ्रॉन के लिए और जैफ्रॉन के लिए, ठीक। उसके बाद द टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड सोला आर फाउंड इन द, सोला हमें कहाँ मिलता है, नीलगिरी में भी, अन्नामलाई में भी, पल्लानी हिल्स में भी, तो आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव या ई नन ऑफ द अबव, ठीक।
नन ऑफ द अबव मतलब कि मोर देन वन अबव, तो इसका आंसर रखिएगा डी या ई। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, वेस्टर्न जो घाट है हमारा वहां पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 16 जो है ना एक प्रकार का पैच होता है, ये चीज याद रखिएगा। अगला है अरेबल लैंड इन द एरी ओके इरिटेटेड जोन्स ऑफ इंडिया इज टर्निंग सैलिन ड्यू टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आंसर क्या है, ओवर इरिगेशन के कारण, ज्यादा सिंचाई के कारण उसमें जो आपका सैलिन जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है, सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द माजुली आइलैंड सिचुएटेड, तो माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्रा पर सिचुएटेड है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ वेदरिंग ऑफ द फॉलोइंग रॉक, यानी जो रॉक होता है उसमें वेदर होता है, तो वेदरिंग जो है कैसे होता है, कौन से सीक्वेंस में होता है, कौन से डिग्री में होता है, तो सबसे पहले जो आपका राहुलाइट, देन ग्रेनाइट, देन डूनाइट, देन बसाल्ट, तो आंसर क्या होगा, ए, आंसर क्या होगा, ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, इन विच स्टेट जो है चांग, ठीक है, चांगटांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, कौन से स्टेट में है, आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, आंसर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द बिलो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन शोज अक्साई चीन टू बी अंडर इंडियन कंट्रोल, आंसर क्या है, जॉनसन लाइन, आंसर क्या है, जॉनसन लाइन। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, अरेंज द फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो, तो इसको आपको नॉर्थ टू साउथ में सिलेक्ट करना है, तो आंसर क्या है, 1, 2, 3, 4, सबसे पहले नॉर्थ में आ गया आपका जो आपका सक्स जो, ठीक ना, क्या है, सक्स गम वैली, फिर सियाचिन ग्लेशियर, फिर तवांग, फिर मैकमोहन लाइन। ठीक है, आंसर है ए। बबीना फील्ड फायरिंग रेंज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो बबीना फील्ड जो है आपका उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है यहाँ पर, मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड करेक्ट सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रेगुलेशन दिया है, अब किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, तो ग्रे जो है आपका फर्टिलाइजर से संबंधित है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है गोल्डन, तो गोल्डन दोस्तों किससे संबंधित होगा, तो बताइए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसी को यहीं पे मैच कर रहे थे ना, ए चार, उसके बाद यहीं देख लीजिए। ठीक है, कि ए चार, बी तीन, सी दो और डी एक, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें, ए में गोल्डन है, गोल्डन जो है आपका किससे संबंधित है, ये यहाँ पे है आपका फ्रूट से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ग्रे, ग्रे जो है फर्टिलाइजर से संबंधित है। उसके बाद जो है राउंड, ठीक है, तो राउंड किससे संबंधित है, राउंड, तो राउंड जो है आपका ये पोटैटो से, और येलो जो है ऑयल सीड से। ठीक है, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार, तो म्यांमार के साथ त्रिपुरा नहीं करता, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल करता है, आंसर क्या है, बी, आंसर क्या है, बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द बिलो कंट्रीज लैंडलॉक, वियतनाम, लाओस, उसके बाद फिर से वियतनाम दे दिया, ऑप्शन में कंबोडिया, आंसर क्या है, लाओस जो है लैंडलॉक है, लाओस जो है लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज कोल्ड विंड, इसमें से कौन सा जो है कोल्ड विंड है, चिनुक, सिरोको, मिस्टल, काल वैसाखी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, कौन कौन से है लोकल विंड, आंसर क्या है, सी थ्री ओनली, जो आपका है यहाँ पर मिस्टरल जो है सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, कहते हैं ना कोल्ड विंड है, चिनुक जो है नॉर्थ अमेरिका का, सिरोको जो है आपका नॉर्दर्न सहारा डेजर्ट का, काल वैसाखी जो इंडिया का है, ये सब क्या हॉट लोकल विंड्स है, और मिस्टरल जो है आपका कोल्ड विंड्स है। ठीक है, ये चीज याद रखना है, जो कि आल्प्स माउंटेन पे पाया जाता है। अगला दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर पार्ट ऑफ द सबमर्ज फोल्डेड माउंटेन, सेकंड लैक्षद्वीप्स एंड मालदीव्स आर लोकेटेड ऑन द सबमरीन रीच हैविंग कोरल फॉर्मेशन, देन थर्ड मॉरिशस एंड रीयूनियन आइलैंड हैज अ वोल्केनिक वंस, सो व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज सी 1, 2, 3, सारे स्टेटमेंट जो है सही है। अगला है दोस्तों, द रेड सी गल्फ ऑफ एडेन आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट, अरेबियन प्लेट, सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, आंसर क्या है, डी, सारे के सारे जो है सही है। ठीक है, रेड सी जो है एंड गल्फ ऑफ एडेन वो लोकेटेड है आपका न्यूबियन प्लेट पे, सोमाली प्लेट पे, अरेबियन प्लेट पे, आंसर क्या है, डी। ठीक है, उसके बाद है संकसिट, उसके सॉरी सनकिस्ट, उसके बाद जो है सेविल एंड जफा आर द टाइप्स ऑफ, ये सब है ऑरेंज के टाइप। ठीक, उसके बाद जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज ऑल्सो रेफर एज अ गोल्ड पोल ऑफ द अर्थ, गोल्ड पोल जो है आपका साइबेरिया है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टुवर्ड्स द इक्वेटर द स्टीपी ग्रास बिकम्स टॉलर एंड डेंसर, सेकंड टुवर्ड्स एटम द स्टीपी ग्रास विदर्स एंड डाइज बट द रूट्स रिमेन अलाइव एंड लाइट डेवलपमेंट एंड थ्रू आउट द कोल्ड विंटर, एंड थर्ड ट्रीज आर वेरी डेंस इन द स्टीपी बिकॉज ऑफ द
कॉपियस रेनफॉल, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आंसर क्या है दोस्तों, दो और तीन जो है गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, इतना डिटेल नहीं देखना है, यूपीएससी में इतना नहीं पूछेगा, है ना। अगला प्रश्न है द फेनोमेनन नोन एज बिग स्प्लैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो बिग स्प्लैट जो है किससे संबंधित है, मून से संबंधित है, चंद्रमा से। अगला है दोस्तों यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लेट्स, इनर प्लेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, प्लेट्स बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड, ठीक है, आंसर क्या है बी। उसके बाद है यहाँ पे अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, सॉरी अपर मेंटल, आंसर है इसका सी। पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेट्स टू, तो पोलर फ्लिंग फोर्स जो है आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ से संबंधित है, किससे, रोटेशन ऑफ द अर्थ से। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स, आंसर क्या है फोलिएशन। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग, सो पहला है मलेशिया एंड सुमात्रा, उसके बाद है मलेशिया सुमात्रा किससे संबंधित है, मलाका स्टेट से, ये आपको चूज करना है। तो बिल्कुल मलेशिया सुमात्रा जो मलाका स्टेट से, बोर्निया एंड सुमात्रा जो है सुंडे स्टेट से, उसके बाद बोर्निया सुलावेसी जो है माकाशर स्टेट से, ये सारे के सारे जो है करेक्टली मैच है, आंसर है डी 1, 2, 3। और सुलावेसी अभी न्यूज में था इंडोनेशिया से संबंधित, है ना, तो इस चीज को याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट, जमुई, आंसर क्या है जमुई, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पश्चिम चंपारण दिया है, वैसे पश्चिम चंपारण में भी है गोल्ड का डिपॉजिट, तो यहाँ पे कोई नहीं, इसका ई रख दीजिए, नन ऑफ द अबव, वैसे आंसर है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, चलिए इसमें आंसर तो उसी को मान लेते हैं, वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण का, ठीक है, तो जो प्लेस है गोल्ड डिपॉजिट रीजन का, तो ये चीज भी याद रखना है। और यहाँ पे दिया है ना करमाटिया रीजन ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट है पोटेंशियल गोल्ड डिपॉजिट, तो आंसर है दोस्तों यहाँ पर ई, मोर देन वन अबव, इसका आंसर ई, ठीक है, इसका आंसर ई। अगला है दोस्तों यहाँ पर विच अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज 21 to 18, तो आंसर क्या है ए 61। यहाँ पर अगला है स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सम काइंड ऑफ फॉर्मल गवर्नमेंट, आंसर क्या है कि हम इसका कह सकते हैं सम काइंड ऑफ फॉर्मल ऑफ गवर्नमेंट, अगर किसी प्रकार गवर्नमेंट नहीं होगा तो एग्जिस्ट कैसे करेगा। और स्टेट के लिए चार चीजें चाहिए, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। तो गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आंसर क्या है दोस्तों इसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होते हैं। उसके बाद द मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, आंसर क्या है प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद विच कंट्री इज फॉलोइंग वन पार्टी सिस्टम, मंगोलिया, स्पेन, चीनी, चाइना, आंसर है चीनी, सॉरी चाइना, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पब्लिक अफेयर्स कमिटी, एस्टिमेट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कंसल्टेटिव कमिटी टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आंसर है डी, ठीक है। उसके बाद द आइडिया ऑफ लोकपाल इज टेकन फ्रॉम, तो आइडिया ऑफ लोकपाल जो स्कैंडिनेवियन कंट्री से लिया गया। उसके बाद हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, प्रेसिडेंट, सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द राइट टू क्रिटिसाइज, राइट टू एसोसिएशन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, आंसर रख सकते हैं दोस्तों जो है आपका राइट टू क्रिटिसाइज जो है उससे जो डेमोक्रेसी जो है आप कहते हैं ना सक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो राइट टू आप द कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी दैट वन हैज द राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो लाइट जो राइट टू लिबर्टी जो है पर्सनल लिबर्टी इसको कह सकते हैं, तो क्रिटिसाइज भी हो सकता है, वैसे इसका आंसर आप ई रख सकते हो, ठीक है, मोर देन वन अबव, वैसे सी भी रख सकते हो। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र के लिए। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू प्रॉपर्टी इज लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है एक लीगल राइट है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेर टेकन फ्रॉम द आयरलैंड, ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज रिलेटेड विद द यूनियन बजट, यूनियन बजट से कौन से मोशन संबंधित है, तो कट मोशन, कौन से संबंधित है, कट मोशन, ठीक है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट ऑन 77 2010 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद व्हेन वाज नेशनल इमरजेंसी इंपोज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिसऑर्डर, 1975, आंसर क्या है 1975। उसके बाद दोस्तों द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years, आंसर क्या है डी 6 years। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर क्या हो सकता है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है ना। उसके बाद हु एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो है कौन उसके चेयरमैन होते हैं, तो आंसर क्या है बी चीफ मिनिस्टर, ठीक है चीफ मिनिस्टर।
उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो फर्स्ट द प्रीएम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर. सेकेंड इट इज नॉन जस्टिसिएबल दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इनफोर्सिबल इन कोर्स ऑफ लॉ. व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट. आंसर है जो आपका होना चाहिए कि देखे प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ अ प्रीएम्बल इज नाइदर सोर्स. तो आंसर है इसमें से कोई भी गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट जो है सही है ना. तो इस चीज को याद रखना है आपको. अगला, इन जनवरी 1957 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर बेटर वर्किंग एंड द कमिटी वाज हेडेड बाय. आंसर क्या है दोस्तों, बलवंत राय जी मेहता. बलवंत राय जी मेहता आंसर है आपका ए. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विच ऑफ द बिलो गिवन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नोटिफाइड एरिया कमिटी. तो नोटिफाइड एरिया कमिटी से सारे स्टेटमेंट सही है. एक इंटायर जो है इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी होता है. ऑल द मेंबर्स ऑफ द नोटिफाइड एरिया कमिटी इंक्लूडिंग द चेयरमैन आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट नाइदर एन इलेक्टेड बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ऑल ऑफ द वे स्टेटमेंट आर ट्रू. आंसर है डी. ठीक है, अगला द कैंटोनमेंट बोर्ड अंडर. ओके, कैंटोनमेंट बोर्ड जो होता है कैंटोनमेंट बोर्ड वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ क्या है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, आंसर है आपका सी. उसके बाद हु इज द कस्टोडियन ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड. नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड के जो कस्टोडियन कौन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आंसर क्या है, ए. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे द ट्रेटी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन टू यूनियन ऑफ टेरेटरीज. हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ टेरेटरीज या ऑल ऑफ द जो है कह सकते हैं टेरेटरीज ऑफ द स्टेट भी कह सकते हैं. जो टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम. बिल्कुल आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. ई रख सकते हैं मोर देन वन अबव. ठीक है, लेकिन अगर जो ऑल ऑफ द अबव दिया था आंसर इसका डी रखिएगा हमारे हिसाब से. वैसे ये बीपीएससी ऐसे ऑप्शन देके नहीं पूछेगी, ये मैंने बनाया हुआ है तो ऐसा हो गया है ना. अगला है दोस्तों विच ऑफ द बिलो मेंशन आर्टिकल्स डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट इंटर से ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. आंसर है आर्टिकल 3. आंसर क्या है, आर्टिकल 3. उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो मेंशन कमीशन सजेस्ट दैट द एवोल्यूशन ऑफ द फोर फोर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स. आंसर क्या है, फजल अली कमिटी. आंसर क्या था, फजल अली कमिटी या कमीशन. ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द बिलो रिस्ट्रिक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल, जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल. आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. ई भी रख सकते हैं मोर देन वन अबव. अगला, द यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल. आंसर है ए. आंसर है इसका ए. ठीक है, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर जो आपका पार्ट फाइव है वो आपका किससे संबंधित है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से और आर्टिकल 52 to 78. विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रेसिडेंट इन इंडिया. He should be citizen of India, सही है. He should have completed 35 years of age, सही है. He should be qualified for election as a member of the Raj Sabha only, गलत, ये लोकसभा के लिए है. ठीक है, तो ये statement जो है गलत है. ठीक है, He should not hold any office of the profit under the union government, ये सही है. आंसर है आपका C, statement जो है वो गलत है. ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है which of the below statement is incorrect in the, ये हो गया. उसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटी इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज सुपर कैबिनेट. आंसर है पॉलिटिकल अफेयर कमिटी. ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर कमिटी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है. द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स बाय प्रेसिडेंट, के द्वारा ये फिक्स किया जाता है. ठीक है, तो ये चीज सभी याद रखना है आपको. ठीक, उसके बाद दोस्तों आउट ऑफ सेवन यूनियन टेरिटरी विच यूनियन टेरिटरी हैव रिप्रेजेंटेशन इज राज्यसभा, दिल्ली एंड पुडुचेरी. आंसर क्या है, दिल्ली एंड पुडुचेरी. आंसर है इसका डी. ठीक है, उसके बाद द अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी कंसिस्ट ऑफ, अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी में आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जज, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपका डी. ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री डील्स विद द सब्जेक्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बिल्कुल संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी है. आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, या ई भी रख सकते हैं मोर देन वन अबव. अगला है कंसीडर द फ्लोइंग कमिटी, फर्स्ट पॉलिटिकल अफेयर कमिटी, सेकंड इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी, थर्ड अपॉइंटमेंट कमिटी, फोर्थ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी. व्हिच ऑफ द अबव कमिटी चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर. ए जो है आपका 1, 2, 3, लेकिन जो चौथा है आपका ये वाला पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर नहीं होता. तो ये किसके द्वारा चेयर होता है, यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा. किसके द्वारा, यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा. अगला है इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया पॉपुलेशन इज यूज्ड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनली. इसमें से कौन सा एरिया जो पॉपुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनली यूज होता है,
मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बिल्कुल, कंपोजिशन ऑफ द हाउस बिल्कुल, कंपोजिशन ऑफ द स्टेट असेंबली बिल्कुल, डी है ऑल ऑफ द अबव, या इसका आंसर आप ई रख सकते हो, मोर देन वन अबव। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। और ये पहला था ऐसा, हमें हिंदी में नहीं बताया क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, ट्रांसलेट करने में भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो जैसे हुआ मैंने आपको बताया, तो अब आप लोग को काम है कि कैसे आप लोग इसे लीजिएगा। तो नेगेटिव में लीजिएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि ये ऐसे 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 ऐसी चीजें हैं। ठीक है, पॉजिटिव लीजिएगा तो आप लोग को ये पता होगा, ठीक है, 150 में से 10 ही क्वेश्चन समझ में आया, 150 में से 50 क्वेश्चन ही समझ में आया, किसी को 150 में से 150 समझ आएगा, किसी को 150 में से 100 समझ में आएगा, आएगा तो जरूर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए लेसन के साथ और नए वीडियोस के साथ। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।